बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल नेशनल शॉर्ट हैंड अकेडमी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, बुक का पेज 31। 31 पे है चैप्टर नंबर 8, एस सर्कल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, एस सर्कल। द वेरी फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कॉन्सोनेंट वो है एस, एंड इट्स क्रोस्पोंडेंस हैवी साउंड जी। एस के साथ जी ऑरिजिनेटेड बाय अ स्मॉल सर्कल एज वेल एज बाय द स्ट्रोक एस एंड जी। अब एस को यहाँ पे हम शॉर्ट करके एक स्मॉल सर्कल, जो आप देख रहे हैं वर्ड के एंड में स्मॉल सर्कल को एज ए एस हम यहाँ पे अब कंसीडर करेंगे। एस को जो स्ट्रोक है कहीं पे यूज होगा, लेकिन ज़्यादातर जो एस है वो आगे सुनते हैं कि किन सूरतों में एस स्ट्रोक यूज होगा, किन सूरतों में एस सर्कल यूज होगा। तो आज एस सर्कल हम सीखेंगे। स्मॉल सर्कल ज्वाइन इजीली टू अदर कॉन्सोनेंट। एक तो यह है कि जो स्मॉल सर्कल है वो इजीली दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन हो जाता है, एट द बिगिनिंग या शुरू में, इन द मिडल या दरम्यान में, और एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जिस तरह ये एंड में वर्ड है, एंड में जो एस है वो इजीली ज्वाइन होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड द एस सर्कल इज रिटन ऑलवेज रीज फर्स्ट। जब शुरू में होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो सबसे पहले पढ़ा जाएगा। इन द एंड ऑफ अ वर्ड द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। अगर एंड में है तो एंड में लास्ट में एस पढ़ा जाएगा, अगर दरम्यान में है तो दरम्यान में पढ़ा जाएगा। तो इसका जो है, जो एस सर्कल इज रिटन इन साइड अ कर्व, सबसे पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है कि जो कर्व स्ट्रोक हमने पढ़े थे उनके अंदर वाली साइड पे एस लगेगा। तो सबसे पहले हम कर्व स्ट्रोक जितने हैं वो लिखेंगे, एफ वी इट दी एस खुद स्ट्रोक जी इश यी एम एन इंग। ये हॉरिजॉन्टल भी थे, ये कर्व भी, एल रे, ये थे हमारे कर्व स्ट्रोक। अब इनके इनसाइड में, इनसाइड में या शुरू में या दरमियान में या एंड में, कैसे? एफ के शुरू में होगा ये इस तरह, मतलब इस तरह लिखेंगे, एफ के साथ एस ये, वी के साथ एस ये, अंदर वाली साइड पे जो कर्व होगा, इस तरह जो कर्व है वो अंदर वाली साइड पे, इसके साथ होगा तो ये होगा ये वाला, ये एंड में होगा ये वाला, दी के साथ या स्टार्ट में एंड में, स्टार्ट में एंड में। जो कर्व होगी उसके इनसाइड में, जो ये कंडीशन है कि जो कर्व के हमेशा इनसाइड पे एस लगेगा, ये शुरू में, ये लास्ट में, इस तरह, ये इस तरह, ये शुरू में या लास्ट में। तो जो वर्ड है वो हम लिखते हैं बुक के मुताबिक। लफ्ज़ पहला है, वर्ड पहला है फेस, एस आ गया, फे और एंड एस, ये इनसाइड पे एस हो गया, एफ के बाद लॉन्ग ए हो गया, फेस एंड में पढ़ा जाएगा। अगला वर्ड है दीज, दी लॉन्ग ई, दी ये एस लॉन्ग ई, दीज नोज, ये खाली नो था, एस लग गया लॉन्ग ओ, नोज। नेम्स, ये होगा खाली नेम, एस लग गया नेम्स, बिल्ज, बी ये था बिल
एस लग गया, बिल्ड्स एल्स एल एस ए वाला वावल लाइट डॉट एल्स एन अक्षस एन इश और एस एन अक्षस ओ वाला इसमें लग जाएगा, यू वाला एन अक्षस इस तरह वावल आएगा इसमें। लेस एल इनसाइड पे एस ए वाला वावल लेस। मंथ्स एम एन इथ एस लग गया मंथ्स। आगे वर्ड है लीव्स, पहले लीव लिखेंगे, लीव होगा लोंगी ली, ये हो गया लीव्स। शोज पीछे हमने सिर्फ पढ़ा था शो, इश के साथ ओ, ये शो एस लग गया शोज। लूज लॉन्ग ऊ लू लूज हैवी डैश थ्रू द लाइन। न्यूज अब इसमें यू वाला डिपथोंग आ गया, न्यूज एन एस ये यू न्यूज। इसी तरह व्यूज रिफ्यूज एफ एस यू रिफ्यूज। आइटम्स पीछे हमने पढ़ा था आई टी और एम, एस लग गया इनसाइड पे आइटम्स आई टी एम एस आइटम्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिस, शॉर्ट ओ एफ एस शॉर्ट ओ ऑफिस। अफेयर्स शॉर्ट ए एफ के बाद लॉन्ग ए अफेयर्स एफ आर एस अफेयर्स। जितने भी हमने कर्व स्ट्रोक देखे अंदर वाली साइड पे एस, इनसाइड कर्व के इनसाइड पे एस, और ये एस जो है वो एंड में, ये जो हमने अभी सीखा अभी पढ़ा है ये एस एंड में। इसका पॉइंट बी होगा जो कर्व स्ट्रोक के साथ शुरू में एस सर्कल होगा। ए में हमने पढ़ा कर्व के साथ एंड में, अब कर्व के साथ शुरू में एस सर्कल होगा। लफ्ज है सेफ सीम स्लो सॉन्ग, तो ये वर्ड हम बनाते हैं और लाइनें इसकी ये वर्ड लिखती हैं सेफ एस पहले आ गया एफ बाद में आया लॉन्ग ए। तो एस एफ लॉन्ग ए। अब इस वावल की आ गई कि वावल कहां पे ड्रा करेंगे, फेस में हमने वावल इधर लगाया था लेकिन अब वावल किधर लगेगा, अब एस के बाद वावल लगेगा एस, अब ये लगेगा वावल, यानी कि अगर हम यहां पे लगाएंगे वावल तो बनेगा एस एफ और ए सफे, ये सबसे एंड में पढ़ा जाएगा लेकिन ये एफ से पहले, एफ से पहले एस एफ से पहले ए और फिर एफ सेफ सीम लॉन्ग ई एस एम, चूंकि ये लाइन को काटेगा नहीं लाइन के ऊपर रहेगा वॉवल लगेगा थर्ड पे लॉन्ग ई सीम। आगे है स्लो, पीछे हमने पढ़ा था ये वाला लो, अब इसके साथ एस आ गया स्लो। सिल्क शॉर्ट आई एस एल ये के हो गया ये वॉवल आ गया सिल्क। सर ए वाला वॉवल एस आर सर। प्रैक्टिस इसकी ऐसे होगी कि इस चैप्टर के एस सर्कल में जो अभी कर्व हम पढ़ रहे हैं तो कर्व स्ट्रोक सारे लिख के प्रैक्टिस खाली पहले उनके साथ एस सर्कल जोड़ने की करनी है, ज्वाइनिंग करनी है, उसके बाद ये लेसन करेंगे। संडे
सेकंड प्लेस है डे, संडे। अब ये संडे है क्योंकि ये दिनों के नाम है, यहाँ पे हाइफ़न लगाएंगे ताकि जब जैसे ही इसकी लॉन्ग एंड करेंगे तो एस इसका कैपिटल लिखेंगे, संडे। सेंस, अब इसमें स्टार्ट एंड, सेन एस सेंस, सम ये वाला वावल लाइट एज सम, सन ऑन दी लाइन पे रहेगा, ये हो गया सन। आगे है सेल लॉन्ग, सॉरी सोइल डिप्थ होगा, आगे सोइल वाई की बार। अब ये एस के बाद वाई, एस लिखा ये वाला, इसके बाद यहां पे वावल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सबसे एंड में पड़ा जाएगा। सोइल साउथ, आओ आ गया जो हमारा था डिप्थोंग थर्ड थर्ड प्लेस वाला, एस इथ और ये लग गया आओ साउथ। साइन आई वाला डिप्थोंग, एस एन आई साइन। अब ये एस जो हम सर्कल पढ़ा ये इनिशियल सर्कल था, शुरू में था। अब इसी चैप्टर का जो पॉइंट नंबर सी है, सी पोर्शन है, वो एस सर्कल मिडल में आ गया। मिडल में आ जाए तब भी कर्व के इन साइड पे ही रहेगा, कर्व के इन साइड पे ही रहेगा। ये मिडल में एस है, इसके हम आउटलाइन बनाते हैं। ये हम वर्ड लिख लिए हमने, पहला वर्ड है मैसेज, दरम्यान में एस आ गया। सेकंड प्लेस है एम एस जे, एम के इनसाइड पे किस तरह एम ये इनसाइड पे एस जे, छोटा आउटलाइन छोटी बन गई है एम एस ये वाला मैसेज। अब सेंस, पीछे हमने ये सेंस पढ़ा था, अब साथ में सिर्फ अब का लगाएंगे, ये हो गया अब ये सेंस, अब ये हो गया सेंस, अब सेंस। बिजनेस, अब पीछे हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि जो एस है वो एस जी की साउंड भी हैवी साउंड देगा जी, तो उसी सूरत में भी हम एस सर्कल ही लगाएंगे बिजनेस, ये हो गया बिज ये हो गया नस। अब इस कर्व के इनसाइड पे आगे है कजन, के एस एन ये हो गया कजन। नेक्स्ट है रीजन लॉन्ग ई, री एस और एन रीजन। रिसीव एस ये वी लॉन्ग ई, अब इस वी के इनसाइड पे। म्यूजिक, जी की आवाज हैवी साउंड आ गई, यू का डिप्थोंग म्यूजिक, एम के इनसाइड पे। नेक्स्ट आ गया वेनसडे, डी इसमें साइलेंट वेनसडे, वैन एन एस और डे वेनसडे हाइफ़न कर देंगे वेनसडे। तो ये एस सर्कल में हमने, इस चैप्टर में हमने पढ़ा एस सर्कल। एस सर्कल या तो शुरू में आएगा, मिडल में आएगा, एंड में आएगा। तो अगर शुरू में आएगा तो पहले पढ़ा जाएगा, मिडल में आएगा तो मिडल में, एंड में आएगा तो लास्ट में पढ़ा जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला स्ट्रोक है। इसको हम ईजीली ज्वाइन करने के लिए एस को एस सर्कल के तौर पर लगाएंगे ताकि ईजीली दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन हो सके। आगे इसी लेसन की शॉर्ट फॉर्म्स, एस सर्कल के मुतालिक ये शॉर्ट फॉर्म है, हैज एज हिज या इज सेवरल दोज दिस थस, और हैज दी या एज दी इज दी ये हम सीखते हैं।
जो पहले शॉर्ट फॉर्म है वो है हैज या एज। तो जो सिंपल एज सर्कल है डायरेक्शन इसकी ये रहेगी, ये वाली, ये जो सिंपल एस सर्कल है ये वाला, क्योंकि हम इस साइड को लिख रहे हैं, अगर ये करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये एज और हैज इसी को ऑन दी लाइन पे करेंगे तो हो जाएगा हिज इज। पीछे हमने पढ़ा था ही, अब ही इज अगर डिसजॉइंट करके लिखेंगे ही इज, ये हो गया इज। जो नेक्स्ट है वो है सेवरल, एस वी, एस वी हो गया सेवरल। दोज अबव द लाइन दी स्ट्रोक और एस हैवी साउंड है दोज। आगे है दिस दी ऑन द लाइन एस, ये दोज और ये दिस, और जो हमने दीज पढ़ा था उसके साथ वाव लगा देंगे, वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो वर्ड है दोज, ये हो गया दीज। अब शॉर्ट फॉर्म दोज और दिस, आगे शॉर्ट फॉर्म है टी एच यू एस दस थ्रू द लाइन एस। इसमें और इसमें फर्क रखने के लिए दीज के साथ हमेशा हम वावल ड्रा करेंगे ताकि इन दोनों में फर्क रह जाए, क्योंकि आगे शॉर्ट हैंड में आगे जाके वावल इसमें ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ प्लेसेस ही हमें इस बात का पता देंगी कि सेकंड प्लेस वावल है, फर्स्ट प्लेस वावल है या थर्ड प्लेस वावल। ये होगी शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद जो उसने आगे नोट दिया है उसमें है ये हैज है या एज है, इनके साथ अगर दी ज्वाइन करना हो तो एज द, एज हमने पढ़ा, ये स्मॉल टिक हो गया द को शो करेगा एज द या हैज द, इज द इज स्मॉल टिक, इज स्मॉल टिक, इज ये स्मॉल टिक हो गया एज द। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा उनके साथ कवर होंगी एक्सरसाइज 24 और 25। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।